स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईपीएल 2024 का मुकाबला जीटी वर्सेस पीबीकेएस यानी पंजाब वर्सेस गुजरात टाइटंस का मुकाबला, जिसमें पंजाब की 3 विकेटों से लाजवाब कह लीजिए, धमाकेदार कह लीजिए जीत होती है और पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पे आ जाती है। जी हाँ, पंजाब किंग्स के हीरो रहे शशांक सिंह। जी हाँ, सिंह इज किंग। शशांक सिंह ने पंजाब को भाई एक ऐसी सिचुएशन से मैच जिताया जहां पे ऐसा लग रहा था 70 पे 4 हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि पंजाब का जीतना यहां से नामुमकिन लग रहा है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि नामुमकिन वर्ड नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में कहावत है, इट्स नॉट ओवर अनटिल इट्स ओवर, मतलब जब तक गेम खत्म नहीं हुआ तब तक आप राइट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी टीम को। हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर, लेकिन हार कर जिसे बोले कि जीतने वाले को एक नाम और दे सकते हैं वो कहते हैं पंजाब किंग्स को। जी हाँ, टॉस जीतकर पंजाब ने अहमदाबाद में, जी हाँ गुजरात के गढ़ में, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी चुनी तो भाई गुजरात की बल्लेबाजी आई और बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल ने पंजाबियों की, जिसे बोलते कि पंजाब के गेंदबाजों के ऐसे धागे खोले कि स्कोर पहुंचा दिया 200, मतलब 199 पहुंचाया और 200 रन चेस करने को मिले पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स की खराब शुरुआत होती है, शिखर धवन जी हां 1 रन बनाकर वहां पवेलियन लौट जाते हैं, जोनी बेस्तो 22 रन बनाते हैं, उसके बाद देखिए प्रभ सिमरन थोड़ा 35 रन की अच्छी पारी खेलते हैं, सैम करन को पता नहीं क्यों इतना ऊपर प्रमोट किया, 5 रन वो बनाते हैं, लेकिन सिकंदर रजा बिल इंपॉर्टेंट नॉक तो सिकंदर रजा के 16 गेंदों में 15 रन, बकवास रद्दी इनिंग भाई, मैं तो बोलूंगा मैच हरवाने वाली इनिंग भाई, 93 का स्ट्राइक रेट से कौन खेलता भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई शशांक सिंह, 29 गेंदों में 61 रन, भाई ने ऐसे धागे खोले और इंपैक्ट प्लेयर, जी हाँ इंपैक्ट प्लेयर में आपको एक नाम हमेशा याद रखना वो है आशुतोष शर्मा जी। जी हाँ, जहां पे शर्मा जी जुड़ जाता है तो वहां पे फिर बंदा खिलाड़ी जो कह लीजिए फिर वो महान बन जाता है। जितेश शर्मा 8 बॉलों में 16 रन उन्होंने इंपैक्ट वाली पारी जरूर खेली और 31 रन बनाए 17 गेंदों में आशुतोष ने बनाए 17 गेंदों में 31 रन। तो ये कुछ चीज़ें रही पंजाब किंग्स के लिए और पंजाब किंग्स भाई 3 विकेटों से मुकाबला जीत जाता था। आशीष नेहरा पे मैं हार का ठीकरा फोड़ना चाहूँगा गुजरात टाइटंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे बोले कि बाउंड्री रोप पे खड़े होकर बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे थे अपने प्लेयर्स को, यार कभी कभार आपको प्लेयर्स पे भी छोड़ना पड़ जाता है। आशीष नेहरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं शायद से, मुझे लगता है कि आशीष नेहरा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यार शुभमन गिल ठीक है यंग है नए कप्तान है लेकिन उनको वो आज़ादी मिलनी चाहिए कि भाई वो अपने डिसीजन ले सके। शुभमन गिल को ऐसा लगता है कि यार कप्तानी तो नाम के लिए कप्तान है लेकिन सारे डिसीजन जो हैं वो आशीष नेहरा साहब ले रहे हैं। तो फिलहाल इस मैच रिपोर्ट में इतना ही, पंजाब किंग्स को बहुत बहुत बधाई और मेरी तो फेवरेट टीम है यार साडा पंजाब बोले तो। और फिलहाल अभी चलते हैं, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, पंजाब की इस जीत पर कमेंट करना ना भूले। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।